मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या, खरीद फरोख्त, अपहरण कर बनाई गई अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के निर्देश में नारायणवाली विधानसभा अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मकरोनिया के तत्वाधान में ब्लॉक मुख्यालय मकरोनिया चौराहे पर सागर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नरेश जैन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुर्मी की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने काली पट्टी बांध कर जमकर विरोध प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। भाजपा सरकार का विरोध कर प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से AICC कोऑर्डिनेटर कुलजीत सिंह वाछल, पूर्व एल्डरमैन RR पराशर, कालू पटेल, पार्षद राजू टेस्ट, जतिन चौकसे, मोनू राजपूत, राकेश यादव, अंबुज चौहान, रणबीर सिंह राजपूत, सोनू जॉर्ज विलियम्स, गुड्डू रेकवार, संजय रोहिदास, कमल जैन, संदीप चौधरी, मदन सेन, दिनेश कौर आदि लोग मौजूद रहे। ये आज 100 दिन हो गए हमारे लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को गिराए हुए और उसके उस समय में हम लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश का न्यू है और उसके वोट के उपयोग से ही सरकार बनती है। बिल्कुल 100% हमारी सरकार वापस आएगी, क्योंकि एक एक मतदाता 22 सीटों पे अच्छे से समझ गया है कि ऐसे बुके हुए लोगों को फिर से सरकार में नहीं लेना है, क्योंकि गोविंद राजपूत तो आयातित मन भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो उनका नाम तय है, मगर हमारा प्रत्याशी जो है समय से ही होगा और अच्छा होगा।